आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भोगीपुरा स्थित ग्रीन हाउस में चिराग यूथ फाउंडेशन समिति का होली स्नेह मिलन हुआ। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े लोगों ने एक दूसरे से अबीर गुलाल से जमकर होली खेली। चिराग यूथ फाउंडेशन हर वर्ष होली मिलन समारोह, आपसी मेलभाव और संगीत संध्या कार्यक्रम करता है। इस तहत में आज भोगीपुरा ग्रीन हाउस पे हम लोगों ने संगीत संध्या कार्यक्रम रखा है। सारे शहर के कवि, मेन मेन संगीतकार लोगों को बुलाया गया है। सभी होली के हुड़दंग, होली के लुफ्त उठाने का काम कर रहे हैं और हम होली पे बस सबसे यही कहना चाहते हैं, सारे मेन भेदभाव बुलाकर, आपसी मनभेद बुलाकर सब लोग गले मिलकर रहें और ईश्वर से प्रार्थना है इस होली के अवसर पर सब लोगों को सुख समृद्धि दें और सभी लोग जो इस कोरोना काल से अभी 2 वर्ष पहले बीता है उससे उभरे हैं, सभी लोगों का व्यापार और स्वास्थ्य बहुत सुखदायक और बहुत लाभदायक रहे। ये होली हमारे देश का एक सौहार्दपूर्ण वाला त्यौहार है, उसको मनाने के लिए चिराग यूथ फाउंडेशन के सारे सदस्यगण एकत्रित हुए हैं और उसमें राग रंग का त्यौहार जो पहले कभी 1 महीने से चलता था लेकिन अब आदमी समाज में इतना व्यस्त हो गया है कि उस पर टाइम ही नहीं बचा है मनोरंजन के लिए, तो उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए चिराग यूथ फाउंडेशन ने एक प्रयास किया है। तो उसमें इस निवास पर ये प्रोग्राम चल रहा है और सभी को होली की, सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज चिराग यूथ फाउंडेशन की तरफ से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जैसे कुछ समय पहले हम सबको छोड़ के गई हैं, उनकी याद में एक यहाँ संगीत संध्या भी आयोजित की गई है। मेरी आवाज़ ही पहचान है यहाँ, जिसमें गीतकार और कवि मौजूद हैं जो अपनी हुनर से इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हैं।